क्या आपने कभी सोचा कि माकी और तोजी के पास हेवनली रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से इतना खूबसूरत बदन है पर मेकामारू के पास क्यों नहीं है? ऐसा भेदभाव क्यों? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको तीनों यूजर्स के हेवनली रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताऊंगा और कैसे उनमें से दो यूजर अपने हेवनली रेस्ट्रिक्शन को तोड़ पाए थे। हेवनली रेस्ट्रिक्शन एक कर्स टेक्निक की तरह होता है जो यूजर के जन्म से ही उसके साथ होता है। ठीक कर्स टेक्निक की तरह हेवनली रेस्ट्रिक्शन एक ब्लेसिंग है जो सॉर्सरर अपने साथ लेके पैदा होता है। ऑल्दो अनलाइक कर्स टेक्निक, हेवनली रेस्ट्रिक्शन काफी रेयर है क्योंकि पूरे जुजुत्सु काइसेन सीरीज में हमने इसके सिर्फ तीन ही यूजर्स देखे हैं और वो है तोजी, माकी और मेकामारू। हेवनली रेस्ट्रिक्शन का मेन फंक्शन ये है कि जिस यूजर के पास हेवनली रेस्ट्रिक्शन होता है उसके फिजिकल एबिलिटी का एक एस्पेक्ट उनसे छीन लिया जाता है, पर फिर इसी चीज की वजह से उनके दूसरे फिजिकल एबिलिटीज एक नॉर्मल सॉर्सरर से कई ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम कह सकते हैं कि हेवनली रेस्ट्रिक्शन थोड़ा बहुत सिमिलर है एक बाइंडिंग वॉ से, जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट के चलते एक चीज नर्फ होने की वजह से दूसरी चीज बफ हो जाती है। दोनों में फर्क इतना है कि हेवनली रेस्ट्रिक्शंस की वजह से जो प्रोहिबिशन लगते हैं उन्हें ओवरकम किया जा सकता है, जो हमने माकी और मेकामारू के केस में देखा है। पहले बात करते हैं मेकामारू के हेवनली रेस्ट्रिक्शन के बारे में और कैसे उसने अपना हेवनली रेस्ट्रिक्शन तोड़ा था। वेल, मेकामारू का हेवनली रेस्ट्रिक्शन तोजी और माकी का उल्टा है। मेकामारू अपने मेजोरिटी ऑफ लिम्स के बिना पैदा हुआ था और उसके ऊपर से उसकी स्किन इतनी फ्रेजाइल है कि मूनलाइट भी उसे जला सकती है और इन सब चीजों की वजह से उसके शरीर में अक्सर दर्द होता रहता है। ये था मेकामारू के हेवनली रेस्ट्रिक्शन का नर्फ वाला पार्ट। इतनी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से मेकामारू को रिटर्न में अबव एवरेज लेवल कर्स्ट एनर्जी मिली है और रेंज जिसकी मदद से वो पूरे जापान में कहीं भी पपेट मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर सकता है। और चीजें तब बदल गई जब मेकामारू ने माहितो और केंजाकू के साथ एक बाइंडिंग वॉ बनाया था जिसके चलते अंदर से इंफॉर्मेशन लीक करने के बदले में मेकामारू ने माहितो की कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने शरीर को वापस खूबसूरत बना लिया। नेक्स्ट, मॉमी माकी। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था, माकी का हेवनली रेस्ट्रिक्शन मेकामारू के हेवनली रेस्ट्रिक्शन का पूरा उल्टा है। मेकामारू की तरह बहुत ज्यादा कर्स्ट एनर्जी होने की जगह माकी के पास ऑलमोस्ट ना के बराबर कर्स्ट एनर्जी है जिसके बदले में उसे एक खूबसूरत बदन मिला है। माकी की फिजिकल स्ट्रेंथ और एजिलिटी एक नॉर्मल इंसान के कंपेयर में कई ज्यादा है और हम ये भी कह सकते हैं कि माकी का हेवनली रेस्ट्रिक्शन इनकम्प्लीट है और इसका कारण है उसका एज अ ट्विन पैदा होना। पर ये सब चीजें भी बदल जाती है जब उसके ट्विन सिस्टर माई की मौत हो जाती है और इसके बाद फाइनली माकी चैप्टर 150 में अपने हेवनली रेस्ट्रिक्शन को कंप्लीट कर लेती है और बन जाती है नेक्स्ट तोजी। स्पीकिंग ऑफ विच, नंबर 3, डैडी तोजी। जैसा कि माकी के हेवनली रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताया गया है, तोजी का हेवनली रेस्ट्रिक्शन भी सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि तोजी का हेवनली रेस्ट्रिक्शन कंप्लीट है, यानी लो लेवल कर्स्ट एनर्जी की जगह तोजी में थोड़ी सी भी कर्स्ट एनर्जी नहीं है। तोजी पूरे जुजुत्सु काइसेन का एक लौता कैरेक्टर है जो बिना कर्स्ट एनर्जी के पैदा हुआ था। कहा जाता है कि इवन जब एक बच्चा पैदा होता है ताजा ताजा जिसने कोई नेगेटिव इमोशन फील नहीं किया हो उसमें भी थोड़ी बहुत कर्स्ट एनर्जी होती है, बट तोजी वॉज बिल्ट डिफरेंट। ये वीडियो मेरे सीरीज का 5वां वीडियो है जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन का पूरा पावर सिस्टम, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।